हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है, हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। गाजियाबाद में पुलिस कर्मी द्वारा एक युवक की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस कर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। वायरल हो रहे इस वीडियो में पुलिस कर्मी युवक को जमीन पर गिराकर लात घूंसों से पिटाई कर रहा है। पिटते युवक को बचाने के लिए आसपास खड़े लोग भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद सिपाही पर कार्रवाई की गई। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस कर्मी को निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। घटना गाजियाबाद के कवीनगर इलाके की है, जहां एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसमें पुलिसकर्मी बेलगाम होकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहा है। वीडियो के मुताबिक पुलिसकर्मी द्वारा युवक की पिटाई सरेआम सड़क पर की गई। पिटाई करने वाले सिपाही का नाम रिंकू रजौरा बताया जा रहा है। वायरल वीडियो पर पुलिस ने बयान जारी किया है। ACP अभिषेक श्रीवास्तव ने बयान जारी कर कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें वायरल वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसमें रिंकू रजौरा नाम का सिपाही मारपीट करता नजर आ रहा है। इस प्रकरण के संबंध में रिंकू के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वीडियो को आधार मानते हुए पुलिस कर्मी को निलंबित कर दिया गया है और अब उसके खिलाफ पुलिस की विभागीय जाँच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वायरल वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसमें एक पुलिस कर्मी द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही है। उक्त वायरल वीडियो की जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि यह थाना क्षेत्र कवीनगर से संबंधित है तथा उक्त वीडियो में थाना मधुबन बापूधाम में तैनात आरक्षी रिंकू रजौरा द्वारा एक व्यक्ति से मारपीट की जा रही है। उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा इस वीडियो के आधार पर इन्हें निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध जाँच के आधार पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल खाकी पहनने के बाद कानून हाथ में लेने वाले इस सिपाही ने ऐसा क्यों किया, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने वायरल वीडियो पर कार्रवाई भी की है। पिटाई करने वाला सिपाही कवीनगर थाने में तैनात नहीं है, बल्कि इसकी तैनाती मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र में है। रिंकू रजौरा ने दूसरे थाना क्षेत्र में इस युवक को जमकर पीटा है। रिंकू युवक को उस समय तक पीटता रहा जब तक कि वो अधमरा न हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस युवक पर आरोप था कि इसने एक कार्यक्रम में किसी के साथ छेड़छाड़ की थी। हालांकि ये बात अभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। अब सवाल उठता है कि पिटने वाले युवक पर किसी तरह का आरोप लगा था तो भी पुलिस कर्मी को इस तरह कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं था। संविधान ने किसी पुलिस कर्मी को इस तरह कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं दिया है। वीडियो से साफ जाहिर है कि इस पुलिस कर्मी ने वर्दी की मर्यादा तोड़ी है।